तो बच्चों आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स का परिचय पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स का हम कैसे वर्गीकरण करते हैं। तो हमने इनका वर्गीकरण पहले जो है कार्बन श्रृंखला के हिसाब से हमने उनका वर्गीकरण किया था, कार्बन चेन के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया था और उनको हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक हमने एल्किल हैलाइड में बांटा था उनको, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड में, और दूसरा हमने उनको एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में बांटा था, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में बांटा था। तो दो भागों में बांटा था, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड या एलिफेटिक कंपाउंड्स और दूसरा एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में बांटा था हमने, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड के जिनको हमने हेलो एलीन्स कहा था, इन दो भागों में हमने इनको बांटा था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो कार्बन परमाणु CH आबंध में जो कार्बन परमाणु होता है उसकी संकरित अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है CH आबंध के आबंध में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर, कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं वो वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम इन CH बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड्स और हैलाइड्स, ये हम करते हैं। तो इसमें हम जो है इसके आधार पर पहले हम CsP3X आबंध वाले यौगिक पढ़ते हैं, ऐसे यौगिक पढ़ते हैं जिनमें CsP3X आबंध होता है, CsP3X आबंध वाले यौगिक पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि CsP3 जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बन एटम, तो उसके एग्जांपल है हमारे R1, यह हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें हम जान रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, ऐसा कार्बन परमाणु है जिससे केवल एक एल्किल ग्रुप या एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसमें 1 डिग्री कार्बन होगा उससे जुड़ा होगा हैलोजन, तो इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यहां पर देखिए R जो होता है वो एल्किल ग्रुप होता है, R को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं और इसकी जो इसका जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला वो होता है CH2N+1, इससे हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे R की N की वैल्यू 1 होगी तो ये CH3 हो जाएगा, पहला मेथिल ग्रुप हो जाएगा, 2 होगी तो C2H5 हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा। तो ये जैसे जो R1 R2 R3 हम इसमें लिखेंगे तो इनकी ये एल्किल ग्रुप है, तो जिसमें एक एल्किल ग्रुप है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है हमारा। इसी प्रकार से इसमें जो कार्बन होगा हैलोजन से जुड़ा हुआ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो CsP3X आबंध वाले यौगिक है ये, यानी कि ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 संकरित होगा। दूसरे प्रकार के यौगिक है जिसमें हमारे 2 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये हमारे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप आ गए, ये सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है। इसी प्रकार से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ये जो तीसरा हाइड्रोजन है ये भी क्या होगा, यहां पर भी देखिए आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी जो CX का जो C है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 संकरित है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा, इसी प्रकार से ये इस तरह का है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहां पे क्या है तीनों जो एल्किल हैलाइड है तीनों एल्किल ग्रुप आ गए हमारे, और ये जो C है आपका यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सारे यौगिक हैं जिनमें CsP3X टाइप का आबंध वाले यौगिक हैं ये, तो इसमें जो कार्बन परमाणु है हाइड्रोजन से जुड़े हुए वो क्या है sp3 संकरित है। इसी का जो दूसरा वर्ग है ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी में दूसरा जो वर्ग आता है वो आता है एलाइलिक यौगिक, दूसरे टाइप के भी यौगिक आते हैं इसमें एलाइलिक या एलिलिक भी बोलते हैं इसे, एलाइलिक यौगिक।
इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br या X में कुछ भी हाइड्रोजन कोई भी ले सकते हैं आप। यहां पे मैंने Br ले लिया। तो ये जो है हमारा एग्जांपल है इसका जो नाम होगा वो होगा 1, 2, 3 थ्री ब्रोमो प्रोपीन। तो यहां पर देखिए आप जो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X है तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इसके बगल वाला सी जो है ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है sp3 संकरित है। तो दूसरा वर्ग क्या है एलाइडिक यौगिकों का। इसका एलाइडिक यौगिकों का। तीसरा वर्ग होता है बेंजाइलिक यौगिकों का। ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेंजाइलिक यौगिक। इनमें भी क्या होता है ये है CH2X एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप हाइड्रोजन ब्रोमीन फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो है यहां पर जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है यारा कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये तीसरा वर्ग है इसका बेंजाइलिक कार्बन वाला बेंजाइलिक वाला वर्ग है। यहां पे भी क्या है कि कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरे प्रकार के हम यौगिक पढ़ते हैं जिनमें जो है कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरे जो वर्ग है जिसमें जो कार्बन है हमारा CSP2X वाले यौगिक आबंध वाले यौगिक इसमें जो है सबसे पहले हमारा जो है एक यौगिक होता है हमारा इसमें वाइलिक हैलाइड वो होता है इस तरह से ये CH2 डबल बॉन्ड CHX। यदि मैं इसको X की जगह Br लिख दूं तो यहां पर जो ये सी है हमारा ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये वाइनिल ब्रोमाइड है इसका नाम वाइनिल ब्रोमाइड। तो ये जो वाइनिलिक वाले यौगिक होते हैं ये भी क्या होते हैं sp2x वाले CH2X में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो sp2 संकरित होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है वाइनिलिक वाले का जिसमें हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो ऐसे माना इसमें सीधे ब्रोमीन जुड़ा है फिर ब्रोमो बेंजीन हो गया। तो ये भी क्या है इसके उदाहरण है ये सब। ये यहां पे भी जो कार्बन होगा वो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि यहां पर डबल सिंगल इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं डबल ऐसे बना सकते हैं और हम कहीं पर भी जो है Br को देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये डबल सिंगल है यहां पे तो ये जो कार्बन होगा यहां पर क्या होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा हमारा। ये तो इसका दूसरा एग्जांपल है एलिल हैलाइड। कोई भी जो एलिल हैलाइड है वो इसका एग्जांपल है CH2। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं हमारे वो होते हैं CSPX वाले आबंध वाले यौगिक। तीसरे प्रकार के यौगिक होते हैं हमारे CSPX आबंध वाले यौगिक। इनको मैं लिख देता हूं। इनमें क्या होगा इनमें होगा आपका CSPX आबंध वाले यौगिक होंगे इसमें जैसे आप देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CBr ये इसमें क्या है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CBr ये क्या है इसमें ये जो है ब्रोमो ब्यूटाइन हो गया ये इसका नाम है ब्रोमो इथाइन दो ही कार्बन है ब्रोमो इथाइन। तो ये ब्रोमो इथाइन जो है हमारा क्या हो गया ये CSPX टाइप का एग्जांपल हो गया इसका एग्जांपल हो गया जिसमें कार्बन क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो कहने का मतलब है कि हम तीन प्रकार से CSP3X वाला आबंध वाले यौगिक हो दूसरे CSP2X आबंध वाले यौगिक हो और CSPX आबंध वाले यौगिक हो इन तीन भागों में हम इनको बांट सकते हैं। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए नंबर एक बेंजाइलिक हैलाइड नंबर एक क्वेश्चन लिखिए बेंजाइलिक हैलाइड में CX आबंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। बेंजाइलिक हैलाइड में CX आबंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन CSP X आबंध युक्त यौगिक का एक उदाहरण दीजिए CSPX आबंध वाले यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए वाइनिल हैलाइड क्या होते हैं। सूत्र लिखना आपने वाइनिल हैलाइड क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन है
एलाइलिक कार्बन से आप क्या समझते हैं, एलाइलिक कार्बन से आप क्या समझते हैं।